हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट मैंगो कलाकंद की रेसिपी, वो भी एक ट्विस्ट के साथ में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे मैंगो जेली कलाकंद। तो उसके लिए सबसे पहले जेली बना लेते हैं। यहाँ एक पैन में मैं ले रही हूँ मिक्सचर ऑफ मैंगो प्यूरे एंड वाटर। मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मैंगो प्यूरे एंड 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर। एक बाउल में हम ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर एंड उसमें ऐड करूँगी मैं 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर एंड अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है एंड इस मिक्सचर को हम कुक करेंगे। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ शुगर 3 टेबलस्पून एंड अच्छे से मिक्स करेंगे एंड इसे तब तक कुक करेंगे जब तक ये थिक एंड ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ मैंगो इमल्शन जो कलर एंड टेस्ट दोनों देगा। अब हम इसमें धीरे धीरे करके कॉर्नफ्लोर मिक्सचर ऐड करेंगे एंड मिक्स करेंगे। हमें इसे कंटिन्यूअसली हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े एंड ये पैन पे स्टिक ना हो। कॉर्नफ्लोर का सारा मिक्सचर मैंने ऐड कर दिया है एंड अब हम इसको कुक करेंगे तब तक जब तक कि ये थिक ना हो जाए एंड ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। मिक्सचर हमारा थिक हो चुका है। अब हम इसे ग्रीस प्लेट पे ट्रांसफर करेंगे। मिक्सचर को हमें प्लेट में फैला देना है एंड एक थिन लेयर बनानी है। अब इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। कलाकंद बनाने के लिए एक पैन में हम लेंगे 1 टेबलस्पून घी। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप मैंगो प्यूरे। एंड इसे थिक होने तक कुक करेंगे। मैंगो प्यूरे अच्छे से कुक हो गया है एंड थिक हो चुका है। अब मैं ऐड करूंगी 1/2 कप छेना। आप यहाँ ग्रेटेड पनीर भी ले सकते हैं। एंड अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ शुगर 3 टेबलस्पून एंड 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब हम इस मिक्सचर को कुक करेंगे जब तक ये पैन की साइड्स ना छोड़ दे। पांच मिनट हो चुके हैं एंड मिक्सचर ने पैन की साइड्स छोड़ना शुरू कर दी है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। मिक्सचर अब हमारा रेडी है, पैन में बिल्कुल स्टिक नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे हम गैस बंद कर देंगे। जो जेली हमने सेट की थी फ्रिज में, उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, उसे हम इसमें ऐड करेंगे। इसे लाइटली मिक्स करेंगे। ध्यान रखें गैस मैंने यहां बंद कर दिया है, उसके बाद जेली ऐड की है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक ग्रीस्ड कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे एंड इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे एंड सेट कर देंगे। यहाँ गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है ड्राई रोज पेटल्स, चॉप नट्स एंड फ्यू केसर स्ट्रैंड्स। आप चाहे जिससे गार्निश कर सकते हैं। अब हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे कम से कम 1 से 2 घंटा। कलाकंद बिल्कुल सेट हो चुका है, इसे मैंने क्यूब्स में कट कर दिया है। आप चाहें जिस शेप में इसे कट कर सकते हैं। आप आज ही इस रेसिपी को ट्राई कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि कैसी लगी आपको रेसिपी। एंड अगर आपको रेसिपीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।